Mastery learning, uh, it is a instructional approach. It is a concept to just uh, uh, get mastery over any concept or information. Uh, it is uh, basically teacher initiative or teacher's uh, instruction or teacher's direct directed instruction towards students. And uh, mastery learning basically, teacher always you know make a plan how to teach uh, his or her students. And uh, this is uh, basically fully you know uh, including the teachers directions and instructions and uh, teacher always plan that in uh, how many days he or she will complete the lesson and uh, uh, how many quizzes or assignments will be included and uh, when will be the midterm when will be the final term so all decisions are made through teachers so uh, they decide to get mastery over concepts or information and uh, for mastery they always advise

जो स्ट्रेंथ्स हैं वो ये है कि एक कॉन्सैप्ट जो है उसको पूरी रिच इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल के साथ जब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर वो याद भी करते हैं उसको रिलेट भी करते हैं उसको मुखलिफ़ चैनल से जो है वो वैलिडेट uh, भी करते हैं तो इससे ये होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन बड़ी रिच होती है उनको मल्टीपल बैकग्राउंड्स पता होते हैं मल्टीपल कनेक्शंस पता होते हैं इन्फॉमेशन के एक ही किताब से वो कंसल्ट नहीं करते या सिर्फ नोट से वो याद नहीं करते सुपरफिशियल इन्फॉमेसन नहीं होती बल्कि इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है तो मास्टरी लर्निंग जो है ये इसमें टीचर जो है वो डायरेक्ट करता है लर्निंग और समटाइम्स ओनली द सेंस ऑफ फाइंडिंग द सोलूशन और कंक्लूजन ऑफ द एनी कॉन्सेप्ट कि सिर्फ टीचर इंट्रोड्यूस करा देता है उसके बाद वो कहता है जी इसके ऊपर डिटेल लिटरेचर से ढूंढ के लेके आएँ और लिटरेचर जो कम अज कम दस आर्टिकल्स आपने पढ़ के आने हैं और उस रिसर्च के आइडिया को आपने मुखलिफ़ जो है वो आ, राइटर्स उस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डिस्कस करना है तो इससे काफ़ी बच्चे जो हैं वो बुक रीडिंग की हैबिट उनमें आ जाती है उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग इसकी फेवर में बात करें कुछ लोग जो हैं इसको अपोज़ कर रहे हैं इस तरह से उनकी जो एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो काफ़ी उन उसमें इंक्रीज आता है क्योंकि मल्टीपल एंगल से देख के किसी भी इंफॉमेशन को अप्रूव करना एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्रीज ही नहीं होता बल्कि उसके माइंड को ओपन भी करता है कि वो सिर्फ अपनी एनक से जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है एक बहुत ही एक वन आथर के साथ जो है एक्सप्लन ना करें बल्कि मल्टीपल आथर्स का मतलब है मल्टीपल स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने कैस क्या एक्सप्लन किया है ये एक रिच कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है